के लिए। तो अभी हम आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे थे जयपुर के रामचंद्र मंदिर से, जहां पर आपको बता दें कि इस वक्त शस्त्र पूजन जारी है। काफ़ी सालों से ये परंपरा चली आ रही है, जहां पे विजयादशमी के दिन वहां पे शस्त्र पूजन होता है। इसके साथ ही 7 बजे महाआरती होगी। और अब आपको एक बार फिर से ले चलते हैं जयपुर के दशहरा मैदान, जहाँ पर हमारे सहयोगी दशरथ सीधा हमारे साथ वहीं से लाइव जुड़े हुए हैं। दशरथ, 7:30 बजे का आप टाइम बता रहे हैं जब रावण दहन होगा, लेकिन भीड़ जो है वो अभी से जुटनी शुरू हो गई है और काफी संख्या में लोग रावण दहन को देखने के लिए एक्साइटेड भी नजर आ रहे हैं, क्योंकि भीड़ काफी देखी जा रही है। तो क्या कुछ प्रशासन की तरफ से पुख्ता इंतजाम वहां पर इस दौरान किए गए हैं? देखिए, निश्चित तौर पे थोड़ी देर में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के यहाँ आने का कार्यक्रम भजन लाल शर्मा है, रावण दहन करेंगे, अग्निदान चलाया जाता है, वो बात जो है मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा और यहाँ पर रावण दहन करेंगे। कुछ देर बाद अभी यहाँ पहुंचे रावण और कुंभकर्ण का जो पुतला है उसका यहाँ पर वध होगा, और वध होने के बाद में होगी को देखने के लिए बड़ी तादाद में जो लोग वो यहाँ पर होंगे, और कार्यक्रम जो है यहाँ पर बड़ी तादाद में लोग आगे नजर आ रहे हैं। ये लोग यहाँ पर आ रहे हैं क्योंकि हर साल यहाँ पर होता है, इस बार भी विशाल कार्यक्रम यहाँ पर रखा गया है। और इस बार अगर बात करें तो 105 फुट का पुतला है, तो यहाँ पर पुतला जो है वो कह सकते हैं दशानन का है, जबकि 90 फिट का जो पुतला है वो कुंभकर्ण का है। दो पुतले यहाँ पर लगाए गए हैं, और यहाँ पर जब पुतला दहन होगा उस वक्त मुख्यमंत्री की तरफ से बाण छोड़ा जाएगा और उसके बाद यहाँ पर पुतला दहन होगा। खास तौर पे ये त्यौहार की अगर बात करें तो बुराई पर अच्छाई की जीत, यानी कि ये दिन याद दिलाता है। जी आवाज नहीं आ रही। जी दशरथ, दरअसल जी, तो हम आपको सीधी तस्वीरें इस वक्त दिखा रहे हैं। एक तरफ जयपुर से दशहरा मैदान से, जहां पे हमारे सहयोगी लाइव हैं, वहीं दूसरी तरफ कोटा नगर निगम कोटा दक्षिण उत्तर से हम आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं। कोटा का जो दशहरा मेला है वो पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध है, तो हम आपको दोनों ही जगह की सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहाँ पर जयपुर में कुछ देर बाद अब रावण दहन होगा। सीएम भजन लाल शर्मा पहुंचेंगे, वहां पर घोषणाएं भी शुरू हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि अभी राम भगवान, लक्ष्मण जी और माता सीता भी वहां पर पहुंची हैं। इसके साथ ही बात करें कोटा की, तो आप कोटा में भी देख सकते हैं जहां रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण के पुतले बनाए गए हैं। किसी भी वक्त वहां पर भी रावण दहन हो सकता है। आपको बता दें पूरे देश में आज दशहरे की धूम है, विजयादशमी की धूम है, जहाँ दशहरा मेला में लोगों की भारी भीड़ उमड़ी है। देश भर में जगह जगह रावण दहन किया जा रहा है, जहाँ दिल्ली में भी रामलीला मैदान में, दशहरा मैदान में, दिल्ली के भी रामलीला मैदान में रावण दहन हुआ, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और द्रौपदी मुर्मू ने कथित तौर पर ही रावण दहन किया। आपको सीधी तस्वीरें इस वक्त दिखा रहे हैं दशहरा मैदान से और कोटा से, जयपुर के दशहरा मैदान से, इसके साथ ही कोटा से लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि पूरे देश भर में आज विजयादशमी की धूम है, जहां पर जगह जगह पर रावण का दहन किया जा रहा है। बुराई पर अच्छाई की जीत का यह प्रतीक है, जहां कुछ देर पहले हमारे सहयोगी दशरथ ने दशहरा मैदान में लोगों से भी बात की, जब लोगों का भी यही कहना था कि आज का जो दिन है वो ना सिर्फ रावण दहन का दिन है, बल्कि इसका भी दिन है कि हम अपने अंदर की भी किसी एक बुराई को मारें और उस पर भी अच्छाई की विजय प्राप्त करें। आपको बता दें जयपुर हो या कोटा, अलवर हो या अजमेर, सभी जगह पर राजस्थान में रावण दहन कार्यक्रम है। जयपुर में भी जगह जगह आदर्श नगर, मानसरोवर, विद्याधर नगर में दशहरे मेले का आयोजन हो रहा है, जहाँ रावण दहन किया जा रहा है। और भीड़ भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से आज भी लोग रावण दहन को देखने के लिए एक्साइटेड हैं। लगातार लोगों की
भारी भीड़ उमड़ रही है। बात करें अगर जयपुर की, तो जयपुर में दशहरा मैदान में लगभग 7:30 बजे रावण दहन किया जाएगा। इस दौरान इससे पहले सीएम भजनलाल शर्मा वहां पर पहुंचेंगे। सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं दशहरा मैदान से, जयपुर से, जहां पर काफी संख्या में लोगों की भीड़ जुटी हुई है। तो वहीं कोटा की अगर बात करें, तो कोटा में भी लगातार लोगों की भीड़ जुटी हुई है। 9 दिन के नवरात्रि पर्व, 9 दिन के देवी की आराधना करने के बाद 10वें दिन विजयादशमी का पर्व मनाया जाता है, जहां पर रावण का दहन किया जाता है। लोगों में रावण दहन को लेकर काफी उत्साह नजर आता है। दशानन का दहन ये कहा जाता है, जहां बुराई पर अच्छाई हमेशा जीतती है। विजयदशमी का त्योहार यही संदेश देता है कि हमेशा बुराई पर अच्छाई की जीत होती है। दिल्ली की बात करें, तो दिल्ली में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रामलीला मैदान में द्रौपदी मुर्मू के साथ मिलकर, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ मिलकर रावण दहन किया। आज देश के कोने कोने से एक जैसी ही तस्वीरें लगभग सामने आ रही है, जहां पे रावण दहन किया गया। बात करें अगर उत्तराखंड की राजधानी देहरादून की, या फिर यूपी की, या फिर देश की राजधानी दिल्ली की, या राजस्थान की राजधानी जयपुर की, सभी जगह से एक जैसी तस्वीरें सामने आ रही है, जहां पे दशानन का दहन किया जा रहा है। गांव शहर में रावण का दहन किया जा रहा है। इस दौरान अपने पिता का, माता पिता के आज्ञा का पालन किया और किस प्रकार से उन्होंने राज्य को चलाया, एक कैसा राजा होना चाहिए, कैसा पुत्र होना चाहिए, ये रामलीला में हम सब लोग देखते हैं। रावण का भी वध किया, प्रतिभाव जो खुद विद्वान था, ब्राह्मण था, लेकिन उसका चरित्र उचित नहीं था। ऐसे अधर्मी की किस प्रकार से भगवान राम उसको अपने धनुष से मार करके, बाण से मार करके और उसको समाप्त किया, उस पाप को समाप्त किया। कायम रहे, हम उन परंपराओं का निर्वहन करते रहे। आए सभी महानुभाव को हम आज के इस दिवस की बहुत बहुत बधाई देते हैं, क्योंकि असत्य पर सत्य का जीत का ये पर्व है। ये महापर्व प्रतिवर्ष हम मनाते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के आदर्शों पर चले और अपने जीवन को आदर्श बनाए और एक मुखार काम करें। हम इसी देश को लेकर के प्रतिवर्ष मेलों का आयोजन करते हैं। हर वर्ष जयपुर नगर की ये सबसे पुराने अभी नहीं बोल सकते, बात बोले अपने अपने साथियों को साथ रखे। माताओं बहने अपने पर्सेस का, वॉलेट का, गहने का ध्यान रखे। भगवान राम का रथ यहां से जा रहा है और वो श्री राम मंदिर पहुंचेगा।